राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि संपदा माता का डोरा कैसे खोला जाता है। हमने होली के दूसरे दिन संपदा माता का डोरा लिया था। होली पूजा में जो सामान होता है, ये बाल और ये कुकड़ी, हल्दी की गांठ, इसी से डोरा लिया जाता है। और बैशाख का महीना जब आता है तो आप कोई भी अच्छा वार देखकर संपदा माता का डोरा खोल ले, क्योंकि संपदा माता की अपार कृपा जिस पर बनी रहती है उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। तो जिस दिन डोरा खोला जाता है आपको हलवा बना लेना होता है और एक चौकी लेनी होती है। चौकी लेकर आप रोली और चावल रख लें, चोपड़े में एक जल का लोटा भर लें और जो सामान आपने रखा हुआ था, जो डोरे बनाए थे और ये कुकड़ी और ये बाल हल्दी की गांठ, वही वाला सारा सामान और सारे संपदा माता के डोरे और जो खुद का डोरा था वो अपने गले में बांध लें। अगर आपने चेन में बांध के ही रखा हुआ है तो ठीक है, अगर रख दिया था तो आप निकाल कर खोलते समय बांध लें। तो इस प्रकार जो है ये सारा सामान लेकर फिर ये जो बाल के दाने हैं ये ही हाथ में ले ले 5 या 7। अगर आप कथा खुद सुन रहे हैं तो आपको खुद सुन लेनी है। अगर आप किसी ब्राह्मणी से सुन रहे हैं तो एक कटोरी के अंदर थोड़े से गेहूं के दाने और एक ऊपर गुड़ की डली रख दे और दक्षिणा भी रख दे। और अगर खुद सुन रहे हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, फिर जो ये मैंने सामान रखा हुआ यही आपको लेना है। अब लेकर हाथ में दाने लेकर तिलक लगा लें और इस चौकी के भी चारों तरफ एक एक लगा दे और एक बीच में जो है तिलक कर दे। उसके पश्चात जो है लोटे पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। ऐसे स्वास्तिक बनाकर और ऊपर भी जो है ऐसे रोली का तिलक कर दे, क्योंकि कलश के अंदर जो है वरुण देवता है, जल देवता है। तो इसके पश्चात ये साक्षी हैं हमारी कथा सुनने के, डोरा खोलने के। और अब हम सुनते हैं कथा। संपदा माता की कथा मैंने चैनल पर लगाई हुई है, आप वहां से सुन सकते हैं। पहले आप कथा सुने उसके पश्चात, यानी कि पहले संपदा माता की कथा सुननी है, उसके बाद गणेश जी की, फिर उसके बाद ये जो लोटा जल का है, चांदी का छल्ला हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करें। इसके बाद जो है ये पीपल के पेड़ के पास ले आए। ये देखो ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर आपको जो है एक थोड़ा सा खड्डा खोद लेना है। ये देखो मैं इसके बाद यहाँ खड्डा खोद रही हूँ। उसके बाद आपको जो ये दाने थे और कुकड़ी थी संपदा माता का, मैंने जो संपदा माता का डोरा होता है वो तो आप जो है निकाल कर रख लें। ये रहा संपदा माता का डोरा, ये तो आप रख लें और बाकी ये सारा सामान जो है ऐसे पीपल के पेड़ के पास खड्डा खोद कर डाल दे। ये देखो ये हलवा भी मैंने डाल दिया है और जो ये जल है ये भी इसमें थोड़ा सा डाल के और ये भर दे। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसलिए जो है ये सारा यही आप अंदर भी डाल सकते हो, बाहर भी खड्डा खोद कर और उसके ऊपर जो है फिर आप जल डाल दे। और ये जो धागा है ये आप अपने पर्स में या अपनी अलमारी में रख ले, फिर देखे आपके घर कैसे धन के भंडार भर जाते। तो इस प्रकार आप संपदा माता का डोरा खोले, संपदा माता की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।